नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 9:53 तक रहेगी। आज शाम 5:05 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:47 तक मृक्षिरा नक्षत्र रहने वाला है। आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। आज से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग कल यानी कि 18 मार्च की शाम 6:11 से रात 10:50 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 मार्च की सुबह 7:34 से पूरे दिन अगली सुबह 6:01 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च को सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले महीने 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 अप्रैल की शाम 4:14 से शाम 7:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:40 से दोपहर 1:25 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:46 से रात 10:39 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 मार्च की दोपहर 2:56 से शाम 7:53 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 10:13 से अगली सुबह 5:45 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 9:36 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 मार्च की सुबह 7:10 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 20 मार्च की देर रात 1:33 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5 बजे से शाम 6:30 तक, मुंबई शाम 5:18 से शाम 6:48 तक, चंडीगढ़ शाम 5:01 से शाम 6:31 तक, लखनऊ शाम 4:45 से शाम 6:15 तक, भोपाल शाम 4:59 से शाम 6:29 तक, कोलकाता शाम 4:15 से शाम 5:46 तक, अहमदाबाद शाम 5:18 से शाम 6:48 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज की शाम 4:49 से शाम 6:19 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिल सकती है। आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी आपके और आपके जीवन साथी के बीच थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन शाम तक सब अच्छा हो जाएगा। हो सके तो दूसरों की राय लेकर ही किसी काम की शुरुआत करें, सफलता मिलेगी। ऑफिस में बॉस आपके काम से काफ़ी खुश होंगे। कोई नया फैसला लेने से बचें, कामकाज समय पर निपटाने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि वाले कवियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा के लिए पुरस्कार भी मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी से मन की बात कहेंगे, आप उन्हें कहीं घुमाने भी ले जाएंगे। इस राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। आपकी कंपनी को नेशनल लेवल पर आयात निर्यात में लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे बच्चों को कलम गिफ्ट करें, आपका दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। इस राशि के लवमेट के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप जरूरतमंदों के लिए संवेदनशील रहेंगे। इस राशि वाले अगर आज नई योजनाएं शुरू करना चाह रहे हैं तो उनकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। आज आपका रचनात्मक कार्यों में नाम होगा और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी। आज आप अपने मन के आधार पर फैसले लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका ज्यादातर समय दोस्तों के साथ बीतेगा, जिससे आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। आपको किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस राशि वाले लवमेट को अपने साथी के प्रति अन्य दिन की अपेक्षा अधिक झुकाव रहेगा। छात्रों को आज कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको सावधानी से सारे काम पूरे करने चाहिए। जरूरतमंद को वस्त्र दान करें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके मन में कुछ नया करने का विचार आ सकता है। किसी अपने से धन की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक खुशी का लाभ होगा। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। दूसरे की मदद करने के मौके मिलेंगे। आपके जरूरी कामों में जीवन साथी का योगदान कारगर साबित होगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नियमित व्यायाम करते रहिए। आज सामने आई सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे तो सफलता भी हाथ लगेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। आपको कई बड़े फायदे होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम मिलेंगे। लवमेट के लिए आज का दिन प्यार भरा रहेगा। अपनी ईमानदारी के कारण आपको जीवन साथी और परिवारजनों का स्नेह प्राप्त होगा। आप अपनों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ उपहार देंगे। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। इस राशि के उभरते हुए लेखकों के लिए आज का दिन एक महान दिन हो सकता है, क्योंकि आपके लेख या आपकी पुस्तक प्रसिद्ध प्रकाशक के द्वारा
प्रकाशित हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आप जिस किसी भी काम को करेंगे उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आपसे कई लोग मदद भी ले सकते हैं। आप लोगों को जरूरत के अनुसार ही सलाह दें। आपके दुश्मन आपके काम में अड़चने डालेंगे। बेहतर होगा कि अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर रहें और आज सभी के साथ प्यार से पेश आएं। आज आप जमीन खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, वो घर पर माता पिता को अपने रिश्ते की बात बता सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहेगा। आज घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपके सामने आई समस्याओं को आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस राशि के लोगों को आज संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने दोस्तों से मिलने उनके घर जा सकते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करें, दिन अच्छा जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपको व्यापार में अचानक फायदा होगा। आमदनी का कोई नया सोर्स भी मिलेगा। आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा। ऑफिस में आज आपको अच्छे कामों के लिए बधाई मिलेगी। आपकी सफलता दूसरों को प्रेरित करेगी। अपना मत बिना झिझक के सबके सामने रख सकते हैं, जो आपके लिए कारगर साबित होगा। आप व्यावहारिक जीवन के प्रति सजग रहेंगे। अगर पहले किसी रिश्तेदार से अनबन हुई है तो आज रिश्तों में सुधार लाने के लिए दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज किसी बात को लेकर आपके मन में डर बढ़ सकता है। आपको सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका वैवाहिक जीवन पहले की अपेक्षा काफी खुशनुमा बना रहेगा। पूरी कोशिश करके भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। इस राशि की महिलाएं सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर पैसा खर्च कर सकती हैं। कुछ लोग फालतू बातचीत में समय खराब कर सकते हैं। जिस कार्य को कई दिनों से पूरा करने की सोच रहे हैं वो आज किसी की मदद से पूरा हो जाएगा। पक्षियों को दाना खिलाएं, आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज जीवन साथी से आपको सकारात्मक संकेत मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का समावेश होगा। अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। आपके कंधों पर एक से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो आगे चलकर आपके मान सम्मान में कारगर साबित होंगी। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज आपके सुगम व्यवहार से लोग खुश रहेंगे। किसी करीबी व्यक्ति के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। मंदिर में कुछ समय बिताएं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा। हो सकता है कि माता पिता के साथ मंदिर जाने का प्लान भी बनाएं। किसी काम का कोई समाधान आपको मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके कामकाज से अधिकारी खुश हो सकते हैं। आज आप दूसरों के दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। सुबह उठकर धरती माँ को छूकर प्रणाम करें, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज साथ साथ शॉपिंग करने जाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता का आशीर्वाद लें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आपका कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। मूलांक 2, छात्र विषयों को समझने के लिए अधिक समय निकालें जिससे आपका मन पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। मूलांक 3, कोई नया काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है, आप उसे आसानी से पूरा कर लेंगे। मूलांक 4, आपके कार्यक्षेत्र में जो भी अड़चने आ रही हैं वो अड़चने आज दूर होंगी। मूलांक 5, अगर आज पहले से ली हुई जमीन
बेचना चाह रहे हैं तो आपको इसमें काफी फायदा हो सकता है। मूलांक 6, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मूलांक 7, कार्यशैली में बदलाव के साथ साथ आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। मूलांक 8, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता आएगी। मूलांक 9, किसी जरूरी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे वो काम जल्दी पूरा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में स्वागत कक्ष की सजावट के बारे में। घर में स्वागत कक्ष यानी कि ड्राइंग रूम की सजावट का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसे घर के इसी हिस्से में बिठाया जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम में रखी चीजों की दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे घर का माहौल अच्छा बना रहे और आपकी ख्याति दूर दूर तक फैले। तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में सोफे की दिशा कहाँ होनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे। ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार के साथ लगाकर सोफे रखने चाहिए। वहीं टेबल को सोफे से थोड़ी दूर या ड्राइंग रूम के बिल्कुल सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि टेबल के किनारे नुकीले या त्रिकोणाकार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ड्राइंग रूम में अलमारी की दिशा, टीवी या टेलीफोन की दिशा और अन्य चीज़ों की क्या दिशा होनी चाहिए इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और रविवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज रात 9:53 तक रहेगी। आज शाम 5:05 तक आयुष्मान योग रहेगा। भारतीय संस्कृत में किसी की लंबी आयु के लिए उसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते रहते हैं या उनका असर लंबे समय तक रहता है। इस योग में किया गया कार्य जीवन भर सुख देने वाला होता है। साथ ही आज शाम 4:47 तक मृगशिरा नक्षत्र रहने वाला है। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में आने वाला जातक सुंदर, व्यवहार कुशल, सामाजिक और रचनात्मक होता है। हालांकि ये लोग थोड़े शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं जिसके कारण इन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने में समय लगता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मृगशिरा नक्षत्र के पहले 2 चरण वृष राशि में आते हैं जबकि शेष 2 चरण मिथुन राशि में आते हैं। इसके स्वामी मंगल है। साथ ही मृगशिरा नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मृगशिरा नक्षत्र के दौरान खैर के पेड़ जिससे पान में लगाने वाला कत्था बनता है उसकी उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मृगशिरा नक्षत्र के दौरान आप खैर के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं दुर्गाष्टमी व्रत के बारे में। आज दुर्गाष्टमी व्रत है। आप जानते हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। कहते हैं इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा की उपासना करता है देवी माँ की कृपा से उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में चल रही किसी भी तरह की समस्या का समाधान निकल जाता है। आज के दिन माँ दुर्गा की उपासना से कैसे आप अपने जीवन में चल रही किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि कर सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज से प्रारंभ होने वाले होलाष्टक की। आज से होली के त्यौहार को ठीक 8 दिन बाकी हैं और जानकारी के लिए बता दूं कि होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ होते हैं, लिहाजा आज से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। यहाँ होलाष्टक का अर्थ ही है
होली से 8 दिन पहले। ये होलाष्टक आज से शुरू होकर होलिका दहन तक रहेंगी। उसके बाद जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन से समाप्त हो जाएंगी। इन 8 दिनों के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस दौरान मुख्य तौर पर विवाह, गृह प्रवेश आदि 16 संस्कारों को करने की मनाही है। इसके अलावा अगर होली से इसके संबंध की बात करें तो होली से संबंधित सारी तैयारियां आज से ही शुरू हो जाती हैं। बाजार में भी आपको आज से ही होली की रौनक दिखनी शुरू हो जाएगी। होलिका दहन के लिए सूखी हुई लकड़ियां, गोबर के उपले आदि भी आज से ही इकट्ठे करने शुरू कर दिए जाते हैं। साथ ही होलिका पूजा के लिए स्थानीय जगहों पर जो गोबर की विविध आकृतियों से माला बनाई जाती है वो सब कार्य भी आज ही के दिन किए जाते हैं। इसके अलावा आज सुबह 9:46 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिहाजा इसको सामान्य रूप में लिया जा सकता है। ये थी चर्चा होलाष्टक और स्वर्गलोक की भद्रा की, और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आपकी सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है तो आज दुर्गाष्टमी के दिन देवी दुर्गा को हलवे और उबले चने का भोग लगाएं। साथ ही 6 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर दुर्गा माँ के मंदिर में चढ़ाएं। अगर आप कौड़ियाँ न ले पाएं तो 6 कपूर और 36 लौंग देकर देवी दुर्गा को चढ़ा दें। साथ ही देवी दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। आज के दिन ऐसा करने से आपके सुख समृद्धि को लगी नजर दूर हो जाएगी। अगर आप अपनी बिजनेस संबंधी यात्राओं की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर माँ दुर्गा की विधिपूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए, और पूजा के समय एकाक्षी नारियल लेकर उस पर 7 बार मौली लपेटकर देवी माँ को चढ़ाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस संबंधी यात्राओं में लाभ सुनिश्चित होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो आज दुर्गा माँ को पुष्पांजलि देने के बाद 2 कपूर की टिकियाँ और 12 लौंग चढ़ाइए। साथ ही देवी दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन में खूब धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज आप देवी दुर्गा को खोए का भोग लगाइए और हाथ जोड़कर देवी माँ को प्रणाम करें। साथ ही दुर्गा जी की इन पंक्तियों का, इस स्तुति का, इन पंक्तियों का जाप करें, एक माला 108 बार। मंत्र है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज के दिन ऐसा करने से आपको अथाह धन की प्राप्ति होगी। और अगर आप अपने बच्चों के करियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब तरक्की करे तो आज आप माँ दुर्गा के आगे घी का एक दीपक जलाएं, साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन ऐसा करने से बच्चों के करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। अगर आप कर्ज के बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर देवी माँ के मंदिर में चढ़ाएं और देवी माँ की विधिपूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद उस लाल कपड़े को उठाकर अपने साथ घर वापस ले आएं और अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप परिवार से जुड़ी किसी समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं तो आज आप माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं, साथ ही दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में चल रही समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में अब पहले जैसी मधुरता नहीं रही और आपका जीवन साथी आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करता, तो अपने दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता भरने के लिए आज एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें, फिर मिट्टी के बर्तन के सामने हाथ जोड़कर अपने दाम्पत्य जीवन की बेहतरी के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जब भी मौका मिले उसको जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बनेगा। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों के सभी कार्यों को बिना किसी बाधा के सफल बनाना चाहते हैं, तो आज गाय के उपले पर कपूर का टुकड़ा रखकर पूरे घर में धूप दिखाएं और धूप दिखाने के बाद उपले को घर की दक्षिण दिशा में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के सभी सदस्यों के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होंगे। अगर आप करियर में अपनी तरक्की को लेकर परेशान रहते हैं कि भविष्य में आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए आज के दिन आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके उनके इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करने के बाद आप फिर से सूर्य भगवान को प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको करियर में खूब तरक्की मिलेगी और आप अपने भविष्य के प्रति निश्चिंत होंगे। अगर आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से मंदिर में गुड़ का दान करवाना चाहिए और इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। मंत्र जप के समय अगर आपके बच्चे भी साथ में हों तो और भी अच्छा है। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। तो ये थी चर्चा आज आयुष्मान योग, मृक्षया नक्षत्र, दुर्गाष्टमी व्रत और होलाष्टक के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी काम को करने में आप नई तकनीकों का सहारा लेंगे, काम समय से व आसानी से पूरा होगा। B, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, थोड़ा संतोष रखें, जरूरतों को पूरा होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। C, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, किसी बात को लेकर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। D, आज आपको कारोबार में धन लाभ होगा और आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा। E, आपकी बनाई हुई योजना सफल होगी और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। F, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। G, रुके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। H, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, अचानक से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। I, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें, बेहतर होगा आप बाहर का खाना खाने से बचें। J, कामकाज को लेकर आप उत्साहित रहेंगे जिससे आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। K, व्यर्थ की चिंता आप बिल्कुल ना करें, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। L, पुरानी परियोजनाओं की सफलता से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस कायम रखें। M, आपकी दिनचर्या थोड़ी व्यस्त रहेगी, आज कुछ एक्स्ट्रा काम भी आपको मिल सकता है। N, बच्चों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, बच्चे के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। O, आपका मन पूरा दिन प्रसन्न बना रहेगा, साथ ही आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी। P, सोशल मीडिया में एक्टिव रहना आपके लिए फायदेमंद होगा, आपकी छवि मजबूत होगी। Q, पहले से चली आ रही परेशानियों का हल निकलेगा जिससे आपको राहत मिलेगी। R, भूमि से जुड़ा कोई विवाद आपको परेशान कर सकता है,
मामले को सुलझाने के लिए बड़ों की मदद लीजिए। एस, सारे काम आसानी से हो जाएंगे, कम मेहनत में अधिक फल मिलने की उम्मीद है। टी, ज्यादा समय घर वालों के साथ गुजारेंगे, घर का माहौल सुखमय बना रहेगा। यू, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वी, आपके दिमाग में नई योजनाएं आती रहेंगी जिन्हें पूरा करने में सफल भी होंगे। डब्ल्यू, लोग आपके अच्छे व्यवहार से प्रभावित होंगे, हर कोई आपसे कुछ सीखने की चाह रखेगा। एक्स, हर किसी पर भरोसा करने से बचें, सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करें। वाई, कोर्ट कचहरी से जुड़े मसलों का हल निकलेगा, किसी अच्छे वकील की सलाह लीजिए। जेड, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं डाकोर के रणछोड़ जी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के डाकोर में स्थित है, डाकोर के मुख्य बाजार में गोमती झील के किनारे। इस मंदिर का गुंबद 27 मीटर ऊंचा। इस मंदिर में एक तरफ किले की दीवार लगती है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित इस मंदिर में भगवान को उनके एक नाम रणछोड़ के नाम से पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काल यवन से युद्ध के समय में एक बार भगवान कृष्ण ने रण से भागने की लीला की थी, काल यवन को अपने पीछे भगाकर उसका संहार किया था, इसी वजह से उन्हें रणछोड़ जी कहा जाने लगा। इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गले पर बाहर की तरफ निकले हुए कंठ के बारे में। सामान्यतया कंठ गले की सीधाई में ही होता है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कई लोगों का कंठ गले की सामान्य सीधाई से बाहर की तरफ या कहें आगे की तरफ निकला होता है। ऐसे लोग शरीर से थोड़े कमजोर होते हैं और साथ ही दूसरों के आगे न झुककर अपनी मेहनत से काम करने वाले होते हैं। हालांकि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी कभी तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि इन्हें अचानक से धन लाभ हो जाता है, लेकिन कभी कभी भाग्य इनके पक्ष में नहीं होता और इन्हें पैसों की कमी झेलनी पड़ती है। इनके भाग्य के साथ साथ विचारों में भी समय समय पर बदलाव आते रहते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 17 मार्च फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज रात 9:53 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 10:50 तक रहेगी। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज एक सेब किसी बच्चे को दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।